झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? जो अंदर कमरे में बोला, क्यों बोला? झूठ बोलने की आदत ना मेरी नहीं तुम्हारी है, तो तुम खुद से पूछो कि तुमने झूठ क्यों बोला। अब मुझे बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? मैं झूठ बोलता हूँ? तुम झूठ बोलती हो। कृतिका से पूछ लो, कहा था ना उसने तुम झूठ बोलते हो। हाँ कृतिका, सब लोग नहीं आए? दादी, समीर, खरीना बुआ। अरे भाभी, उन्हें भूख नहीं है, वो लोग खाना नहीं खाएंगे। भूख कैसे होगी, तुमने इतना बढ़िया हलवा बनाया था कि हलवा खा के सो गए जल्दी। अरे तू खड़ा क्यों है पुत्र, राजा बैठ जा। प्रीता जी, एक पीहू मेरे रूम में ड्राइंग कर रही थी तो उसके स्केच पेन से। ओके थैंक यू। इसने मुझसे झूठ बोला। कौन सा झूठ? इसने कृतिका से भी झूठ बोला। क्या बोला? जब मैंने गुंडे को पीटा तो इसने बोला अगर बैकफायर हो जाता तो, गुंडा मुझे मारता तो, मुझे कुछ हो जाता तो। लेकिन जब कृतिका ने इससे रीजन पूछा तो पता क्या बोली? क्या बोली? झूठ बोली। इसमें झूठ वाली कौन सी बात है, बिल्कुल सही कहा इसने। अब इसमें सही बात कौन सी है डैड, आप मुझे एक बात बताओ सही से, इसमें डांटने की क्या बात थी? इसने मुझे डांटा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो, यही रीजन ही इसे बता देती ना। सुन, अब तेरी सारी बातें सुन ली, अब तू आराम से बैठ जा और थोड़ा सा बड़ा हो जा, सबके साथ बैठ के खाना। ओए तू बीच में मत बोलो। बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लेकिन क्या? ये झूठ बोली बेटा, ऐसे झूठ नहीं कहते हैं। तुम्हें पता तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा? तुम्हारी माँ ने मुझसे एक बार ये कहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखा। कब बोला था मैंने ये? कहा तो था भाई, एक बार की बात है, मैं पार्टी करने जा रहा हूँ। तो राकेश जी नाराज हो गए। ये नाराज इस बात से नहीं थी कि मैं वहां जा रहा हूँ, ये नाराज इस बात से थी कि मैं वहां जाऊंगा और ये पीछे से मुझे मिस करेंगे। लो कर लो बात। बेटा बीवियों का जो प्यार दिखाने का तरीका है ना, वो थोड़ा थोड़ा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ये क्या सोचती है और क्या कहती है ना, खुद ही पता नहीं होता। क्या समझती है और क्या समझाना चाहती है, अगर ये खुद समझ जाए तो हम समझ ना जाए, बट ये चाहती है कि हम सब कुछ समझ जाए। कम से कम बच्चों के सामने तो तमीज से बात कीजिए, समझा अपने पिताजी को। कौन सी बदतमीज? मम्मा सुनो ना, ले अब मेरी बीवी नाराज होगी और ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी नाराज होगी डालने के लिए तो मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से इसलिए हो रहा है। ये इसको समझाओ, फिर दुनिया से सिखाओ, मैं अपनी बीवी को मना चला। अब और कितना सिखाऊं? ये सब हो क्या रहा है? मेरी वजह से मुझे गालियां पड़ती हैं। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी सबको वो बताने की जो बात मैंने तुमसे की थी? अगर मैं तुमसे कोई बात करती हूँ तो वो तुम्हारे सुनने के लिए होती है, सबके सुनने के लिए नहीं होती है। अब देखो, तुम्हारी वजह से महेश पापा और राखी माँ के बीच में झगड़ा हो गया। देखा, अपनी बीवी को पटा लिया मैंने। अरे छोड़ो डैड, आपकी मनाने की स्किल्स बहुत पुअर है। ये तो मेरी मॉम बार बार आपको मौका देती है। ये स्किल तू दिखा, करके दिखा। मैं तो कर रहा हूँ सबके सामने, तुझसे ना हो पाएगा। कर 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 कर। खाना खाइए। गिरीश जरा देखना कौन है। इतनी रात को कौन आया? मैं देखता हूँ। तुझे तो बैठना नहीं, मैं ही बैठ जाता हूँ। को बुलाया था क्या? नमस्ते। नमस्ते जी, मैं विनीता शर्मा, मुझे सिटी एजेंसी ने भेजा है पीहू की देखरेख के लिए। हाँ, आप शाम को आने वाली थी ना? हाँ, वो एक्चुअली रास्ते में गणेश उत्सव की वजह से काफी भीड़ थी एंड ट्रैफिक, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई मैं। चलिए अब आप आई गई हैं तो आपका इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। ये मॉम एंड डैड पीहू के, मैं दादा दादी, बुआ ताई जी ताई। हाय। और पीहू से तो आज आप नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो सो गई, सुबह मिल लीजिएगा। गिरीश, इनको गेस्ट रूम दिखा दो, आप फ्रेशन अप हो जाइए। तुमने ना बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने क्या किया? ये सबके सामने जो तुम बोल रहे थे वो कोई अच्छी बात नहीं है ऐसे अपनी वाइफ के बारे में कहना। वो जो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज किया वो? हाँ नहीं, मुझे क्या तुम एक्सपोज करोगे? अरे यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझ पे कितना मरती हो, और तुमने कमरे में क्या कहा मुझसे? सच और कृतिका से झूठ। तुम समझते क्यों रही हो? कुछ बातें जो मैं तुमसे करती हूँ वो ना हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें होती हैं, सबको बताने के लिए नहीं होती है। तो क्या? कोई नहीं, तुम कभी नहीं बदलोगे, लेकिन मैं अब तुम्हें समझ गई। मतलब कि ये
पहले जब तुम ऐसी सेंसलेस शेमलेस बातें करते थे ना, तो मुझे लगता था कि करण लूथरा में बहुत एटीट्यूड है और वो सारी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो बहुत एटीट्यूड वाला है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, ये जो तुम फालतू की बातें करते रहते हो ना और कुछ भी कहीं भी बोल देते हो, वो इसलिए कि तुम पागल हो। तुम पागल हो इसलिए ये काम करते हो। नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं है, तुम पागल हो, पागल लूथरा। कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठाते मेरा। हक है, हक तो है। पापा आप सुबह कहाँ गए थे? खेलने। खेलना है तो मेरे साथ खेल लेते। अच्छा बताइए कौन सा कलर है? येलो। और ये मैम, ये पीयू का ब्रेकफास्ट। पीयू, गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच विनीता। गिव इट मी। प्रीता पुत्र, क्या तुम्हें पता है महेशी की वो येलो कलर वाली टैबलेट कहाँ है? अभी तक महेश पापा ने वो दवाई नहीं ली। अरे वो तो उन्हें खाली पेट लेनी होती है। पुत्र मिली नहीं तो इसलिए दी नहीं। ओहो प्रीता, जाओ जाके दवाई ढूंढ दो, भाई के लिए वो दवाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं जाके खुद देती हूँ। प्रीता तुम खिला दो। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग करीना बुआ। You are a cheater. You are a cheater. You are a cheater. क्यों? क्योंकि कल रात को आप मेरे साथ सो रहे थे, फिर कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़ के गए थे ना आप? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मम्मा के पास चली गई। हाँ तो अगर आपको नींद नहीं आ रही थी तो आप मुझे उठाकर बोलते कि ऋषभ मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आपको चॉकलेट खिलाता और ड्राइव पे ले जाता, उसके बाद आपको नींद नहीं आ जाती। पर कोई बात नहीं, तू गया था प्रैक्टिस पे आज? गया था ना। कैसी रही प्रैक्टिस? मस्त। और पहली बार ऐसा लगा कि खेल के घर जाना है, खेल के किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं जाना। यार मैं बिजनेस मीटिंग के लिए रेडी हुआ था लेकिन जाना नहीं है। क्या हुआ? लगता है इसके गले में कुछ फंस गया है, ये बोल नहीं पा रही है। तुमने ब्रेकफास्ट में इसे क्या दिया? प्रीता को दिखाया था देने से पहले? अरे पानी लेके आओ, पानी पानी। गिरीश पानी ला। कुछ नहीं होगा बच्चा, अभी ठीक हो जाएगा। लगता है इसकी गली में कुछ अटक गया। क्या कुछ गले में अटक गया? फंस गया। इधर अभी ठीक हो जाएगा। बस बस बस। व्हाट इज दिस अनीता? इतनी बड़ी बाइट दी तुमने, छोटे छोटे पीसेस करके देने चाहिए थे ना, छोटी सी बच्ची है बेचारी। अगर बच्चा संभालना नहीं आता तो नानी का जॉब करती क्यों हो तुम? मैंने छोटे छोटे पीसेस ही किए थे तो फिर इतना बड़ा पीस कहाँ से आया? प्रीता तुमने पीहू को नाश्ता देने से पहले चेक नहीं किया था क्या? हाँ मैंने जब चेक किया था ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें। तो फिर? क्योंकि मैं ठीक से चेक नहीं कर पाई, जैसे ही मैंने नाश्ता खिलाने के लिए बोल उठाया तो आपने मुझे कहा कि महेश पापा की मेडिसिन ढूंढ दूँ, तो मैं छोड़ के वहाँ चली गई। एक्चुअली मैं तो पीहू को अपने हाथों से ही खाना खिलाना चाहती थी। प्रीता प्लीज, एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ शौक के लिए या हॉबी के लिए माँ मत बनो। प्लीज करीना बुआ, प्लीज आप दोनों आगे मत कीजिए। इसमें गलती सिर्फ विनीता की है। अगर बच्चा संभालने नहीं आता तो काम क्यों कर रही हो?
बुआ मुझे लगता है हमें इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारी सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं हमें, तुम अभी इसी वक्त जा सकती हो। लेकिन मैम मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज आर्ग्यू मत करो। मैम मैंने छोटे छोटे पीसेस ही किए थे, लेकिन इतना बड़ा बाइट इसमें कैसे आ गया मुझे नहीं पता। विनीता सफाई देने की जरूरत नहीं, वरना हम लोग तुम्हारी एजेंसी को कम्प्लेन कर देंगे और तुम्हारी करियर पे इफेक्ट हो जाएगा। प्लीज जाइए यहाँ से। दादी अगर प्रीता को पीहू को संभालने में किसी की हेल्प चाहिए तो हम सब है ना, मतलब आप करीना बुआ मम्मी जी और सोनाक्षी, हम सब है यहाँ पर। ये शर्लिन मुझे क्यों सपोर्ट कर रही है, अब इसे क्या चाहिए मुझसे। लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है। जब राखी माँ ने नानी की बात करी तब भी मैंने कहा था कि आई एम इनफ फॉर माई डॉटर। मैंने नहीं कहा था कि मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत है, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। अगर किसी को उसके साथ खेलना है तो शौक से खेलिए, लेकिन जब ख्याल रखने की बारी आती है तो वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उससे पीछे नहीं हटती हूँ। और पीहू मेरे लिए कोई खिलौना नहीं है करीना बुआ, कि मैं अपने शौक के लिए ये सब करती हूँ या माँ कहलाने के लिए उसका ख्याल रखती हूँ, ये तो बहुत गलत बात है। पीहू मेरी बेटी है और मैं दिल से उसका ख्याल रखती हूँ। I'm sorry, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह रही हूँ, आपने मुझसे आज जो बात की है ना वो बहुत गलत है। ये सोच बिल्कुल गलत है। समय कितना हुआ है? समय चार बज के। अरे समीर नमस्ते बेटा, खुश रहो। ऋषभ भी आया है, खुश रहो। कितने दिनों के बाद, बैठो बैठो बेटा। हेलो ऋषभ जी, बैठिए ना। आई है प्रीता और करण भी आई है। अरे हाय जींस, इतना अच्छा लग रहा है ना, सब बच्चे इतने दिनों के बाद आए हैं। सच में अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। वो माँ हम तो लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, हा? तो सोचा कि आपसे हेलो करते हुए जाए। अच्छा किया आ गए। अरे मैं मिलाना भूल गई, ये सुधा है, वो ब्लॉग भी में रहती है ना, रिश्ते दिखाती है। मैंने सृष्टि के रिश्ते के लिए इसे कहा था, तो ये लेकर आई है अच्छे रिश्ते, वो बायोडेटा और वो फोटो। सुधा तू तो प्रीता को जानती है? हाँ हाँ जानती हूँ। उसके हस्बैंड है करण और ये उसके बड़े भाई ऋषभ और छोटा भाई समीर। वो फाइल दिखा जरा, फाइल दिखा। ये फाइल दे दीजिए। तो जीजू बैठो मुझे। अरे कुर्सी देना। तो ये थोड़े से रिश्ते लेकर आई है। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। क्या है ना कि अकेले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, अब परिवार के सब लोग हो, सृष्टि को अच्छे से समझते भी हो, तो मेरी मदद हो जाएगी, है ना। सला आंटी आप हमारे हो तो ये सब बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम आ गए हैं ना, हम यही तो करने के लिए आए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आ गए हैं ना, हम सारे मिलके सृष्टि के लिए लड़का ढूंढेंगे। हाँ। सला बहन जी क्या आपके दामाद के भाई है ना? हाँ दामाद के बड़े भाई हैं ऋषभ, बहुत ही अच्छे हैं। इनकी फोटो मिलेगी क्या? मेरे पास ना इनके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। बस आप थोड़ी सी लेट हो गई, बस मेरी शादी हो गई। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था ना। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। माँ मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे तो आपके हाथ की चाय पीनी है और गरम गरम समोसे खाने। देखना मैं कुछ एकदम भूल ही गई, तुम लोग को देख के इतनी खुश हो गई ना। एक काम करती हूँ मैं ना, जाकर समोसे बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, जलेबी बनाती हूँ, और वो छोटू है ना कोने वाला, उसे एकदम फ्रेश फ्रेश मिठाइयाँ भी, और वो ढोकला भी। अच्छा ठीक है ढोकला भी, तब तक आ तू बैठ कर ना, ये जरा देख लेना। हाँ, 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 और देख कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है मेरे को बताना, ठीक है? हाँ, मैं जाता हूँ। आ जा मेरा बच्चा, बैठ जा। कोई हेल्प चाहिए हो तो बता। नहीं 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 मैं सब कर लूंगी, तुम आए हो ना, तुम सबको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि सब काम फटाफट कर लूंगी। तू भी बैठ जाना, तू क्यों खड़ी? हाँ ठीक है। अभी देखते हैं, उससे पहले ना जरा सृष्टि से मुझे अकेले में बात करनी है। बहने बहने 5 मिनट में आते हैं। जरा देखे तो कैसे रिश्ते आए हैं।
आपने क्यों बुलाया मुझे? आखिर क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? चल क्या रहा है डैड? सोना तुम बहुत क्वेश्चंस पूछती हो। डैड हूँ तुम्हारा, तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम उन लूथराज के साथ रहती हो जिन पर मैं ट्रस्ट नहीं करता बेटा, इसलिए तुम्हारी वेलबींग जानने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। यू गॉट मी? तो डैड प्लीज, मैं बोलना तो नहीं चाहती लेकिन आपने अभी जो किया ना ये सब ठीक नहीं किया। पहले मुझे मैसेज किया, फिर अर्जेंट नोटिस पे मुझे यहाँ बुला लिया। मुझे ना बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? डैड प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आप ना इतनी फिक्र मत कीजिए मेरी। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हुई तो मैं आपको बोलूंगी ना हेल्प करने को। मैं तुम्हारा डैड हूँ इसलिए तुम पर कोई मुसीबत पहले आए तुमसे पहले मुझे मालूम पड़ जाती है। क्या मतलब? बेटा करण और प्रीता की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। मुझे पता है तुम उन दोनों को एक साथ नहीं देख पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवा लिया। तुम लूथराज को फोन करके बता दो कि तुम ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रही हो और तुम यहीं इसी होटल के स्वीट में आराम करो और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी खत्म होते ही तुम वापस चले जाना। यू अंडरस्टैंड? करण प्रीता की वेडिंग एनिवर्सरी? हाँ बेटा। अच्छा जी, तो माँ तेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। अरे यही तो सबसे शॉकिंग न्यूज है दी, कि माँ मेरे लिए शादी के रिश्ते ढूंढ रही है। मतलब क्यों? इससे ज्यादा शॉकिंग ये बात है कि तू रिश्तों के लिए मना कर रही है और ये बात तूने समीर को बताई लेकिन मुझे नहीं बताई। मुझे एक भी बार फोन करके नहीं कहा कि ये सब चल रहा है। जल गए क्या? जल गई? जलने की क्या बात है, तेरी बड़ी बहन हूँ, मेरा हक बनता है सबसे पहले जानने का। और तू मुझे फोन नहीं कर रही है, समीर को फोन कर रही है। अरे पापा, मैं आपको फोन करने वाली थी दी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और रात में आपको पता है ना, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एंड करण जीजू। अब तो पीहू भी आपके साथ सोती है ना, तो मैंने सोचा कि आज बता दूंगी आपको। और जो कल रात को नहीं बताया वो अब बता रही हूँ। प्लीज मुझे इस चंगुल से बचाओ, मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज। तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मुझे पहले ही पता चल चुका है समीर से। पर हाँ, वजह क्या है ये नहीं पता है, तो फटाफट बता। क्या वजह? कौन सी वजह? कैसी वजह? क्या मतलब? ऐसे रिश्तों को मना कर रही है, कोई वजह ही नहीं है। अब माँ इतना अच्छा अच्छा रिश्ते ला रही है लेकिन तू रिजेक्ट पे रिजेक्ट कर रही है, तो कोई वजह तो होगी। तो बता क्यों नहीं देती है कि समीर से तेरा चक्कर चल रहा है, दिलवा लगा पड़ा है, इसलिए ये रिश्ते तुझे पसंद नहीं आ रहे हैं? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ए झूठ मत बोल अपनी बड़ी बहन से। अब साफ साफ बता, समीर से प्यार करती है इसलिए रिश्तों को मना कर रही है ना? देख, अगर जो मैं कह रही हूँ वही बात है, तेरा दिल कहीं और लगा हुआ है इसलिए तुझे ये रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है मुझे बता दे, हम सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे तेरे लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है या तेरे दिल में अभी कंफ्यूजन है या तुझे नहीं बताना है, तो मैं तो माँ के साथ हूँ। अच्छे रिश्ते लाई है सुधा आंटी, कोई अच्छा लड़का देख के तेरा रिश्ता करवा देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सामी पसंद नहीं है। आप लोग मेरे लाए हुए हर एक रिश्ते में कुछ न कुछ कमी निकाल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ। अरे तीनों के तीन रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सर्रा बहन जी को तो बिल्कुल पसंद है। सुधा आंटी, मुझे यहाँ पे अपना स्वयंवर नहीं रचाना है प्लीज। एक्चुअली बात क्या है ना, माँ तो माँ है, माँ को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो तो सिर्फ यही देखेंगे कि लड़का जो है उसकी अच्छी जॉब हो, अच्छे खानदान से बिलोंग करता हो और ठीक ठाक दिखता हो, तो उन्हें पसंद आ जाता है। लेकिन हम आज की जेनरेशन के हैं और मैं तो इसकी बहन हूँ, इसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि इन तीनों से ही ना इसकी नहीं बनने वाली, 36 का आंकड़ा हो जाएगा, रोज लड़ाइयाँ होंगी और फिर बात आप पर आ जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास तो इससे भी अच्छे अच्छे और रिश्ते, तो मैं और ले आऊंगी। आप फिक्र मत करिए, आप लड़की की तस्वीर मुझे दे दीजिए। पीहू बेटा, वो फोटो फट जाएगी बेटा, वो दे दो मुझे। तो ये रिश्ते लाते रहेगी और बात कहीं खत्म ही नहीं होगी, कहीं ना कहीं जाकर इसका रिश्ता कर देंगी। हमें इन्हें कुछ ऐसा कहना होगा कि ये बात यहीं सुलट जाए, यहीं मामला खत्म हो जाए। क्या करें क्या करें? हाँ, इसको बोल देते हैं सृष्टि लड़कियों में इंटरेस्टेड है, लड़कों में नहीं।
ऐसे क्या देख रहे हो सारे लोग? इतना अच्छा आइडिया दिया मैंने? करण जीजू, आप ना अपना आइडिया अपने पास रखिए। आपने तो मेरी पूरी इमेज ही चेंज कर दी। कभी आप बोलते हो कि इन इन रिश्तों में से किसी एक को हाँ कर दे, कभी बोलते हो कि शादी ना करो। क्या यार करण जीजू, एक बात कहूं, बुरा मत मानो, अगर कुछ बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं आजकल के बच्चों के साथ उठती बैठती हूँ तो उन्हें समझती भी हूँ। वो होता है ना आजकल किसी का किसी के साथ अफेयर, तो अच्छे से अच्छा रिश्ता वो रिजेक्ट कर देते हैं। बेचारी माँ को तो पता ही नहीं होता है। अब माँ को नहीं बता सकते तो मुझे तो बता ही सकते हो ना। वो क्या है ना कि मेरा आना जाना भी बच जाएगा और तुम लोग परेशान भी नहीं होगे जैसे आज हो रहे हो। अफेयर है क्या? अफेयर है, मुझे ना लड़कियाँ पसंद है, लड़कियाँ ज्यादा अच्छी लगती। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियाँ नहीं, नहीं, इसको लड़कियाँ नहीं, लड़के ही पसंद है और वो इसको ये पसंद है, इसके साथ इसका अफेयर है। सजा बहन जी, नहीं नहीं नहीं, इनके साथ चल रहा है, इनके साथ, इनके साथ। मैं जीजू उसका, कहां तू मेरे इधर इधर, इनके साथ, इनके साथ। ये अरे ये तो सलट चुके, मतलब अभी तो इन्होंने बताया था ये शादीशुदा है। हाँ, ये तो मेरी शादी होते है ना। नहीं, मेरी शादी हो गई है इनका, एक मिनट, मेरी शादी हो गई, इसका अफेयर इसके साथ है। ये देखो, ये अफेयर है। नहीं 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 नहीं, तू जो बात है वो बताना साफ साफ, चल बोल। हाँ मैं बताती हूँ, मुझे ना एक्चुअली लड़कियाँ पसंद है, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है, मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती है। आपके पास लड़कियों की कोई प्रोफाइल है क्या मेरे लिए? चली गई। अरे चलो चलो, गरम गरम जलेबियाँ भी आ गई। और सुधा, अरे सुधा कहाँ गई? घर गई, अरे पर वो बात जलेबी, लेकिन वो रिश्ते जो लेकर आई थी उनमें से कोई पसंद नहीं आया। अरे मामा, आप को तो पता है ना मैं कैसी हूँ, मैं इतना लड़ाई झगड़ा करती रहती हूँ। करण जीजू ने वो वकील पसंद किया था, लेकिन आपको तो पता है ना, वकील के साथ तो मेरी जमेंगी ही नहीं। पता चला शादी के बाद वो मुझे अपनी दलीलें सुना रहा है और मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ। और ऋषभ जी ने वो डॉक्टर पसंद किया था, लेकिन आपको तो पता है डॉक्टर पेशेंट्स के साथ बिजी होते हैं और मुझे अटेंशन चाहिए होती है बॉस। मतलब आप अपना ही देख लो ना, अगर आपसे मुझे अटेंशन नहीं मिलती है तो मैं कितनी आग बबूला हो जाती हूँ, आपसे झगड़ा करने लगती हूँ। और वो जो बॉडी बिल्डर था ना, वो भी दिखने में अच्छा नहीं था, एकदम पतला ककड़ी जैसा है ना, और उससे भी तेरा झगड़ा हो जाता है ना। नहीं माँ, उसकी तो गर्लफ्रेंड निकली, को पता है? हाँ मुझे भी पता है, मेरे जिम में ही आता। लेकिन बेटा उसका तो अपना जिम है। ये है, उसके जिम में जाता। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सब आ गए आज। वैसे भी सुधा के पास बहुत रिश्ते हैं, वो ना कल और रिश्ते लेकर आ जाएगी, उनमें से कोई पसंद कर लेंगे सृष्टि के लिए। वैसे एक बात बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा, तुम सब आए, तुमने इतनी बारीकी से सारे रिश्ते देखे, बताया ये रिश्ता सृष्टि के लिए ठीक नहीं है, उसके साथ नहीं जमेगी, अच्छा लग रहा। चलो अब मैं फटाफट गरम गरम जलेबी और लेकर आती हूँ, तुम लोग तब तक ये खाओ और चाय ठंडी हो जाएगी अगर मैंने देर करी तो। ठीक है माँ, करें खा बेटा। मैं भी आऊँ? नहीं नहीं, मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। जाओ जाओ मेरा बच्चा, जाओ 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 जाओ, तेरी डॉली यहीं रख दे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या चाहिए तुम्हें? 10 करोड़। दस, बीस, तीस, चालीस, 50 करोड़। पैसे नहीं चाहिए मुझे तुमसे। वो क्या है ना, मेरी शादी ऑलरेडी बहुत पैसे वाले आदमी से हो चुकी है, और वैसे भी तुम जैसे लोगों से पैसे मांगने की आदत नहीं है मेरी। तो क्या चाहिए तुम्हें? कन्फेशन, तुमने जो झूठ बोला है जाके सबको बता दो कि तुम झूठी हो। कितना फिजूल का एटीट्यूड है ना तुमने, और तुम में कितनी प्लानिंग, फिजूल की प्लानिंग। अभी जाकर मैं सबको, फैमिली को बता दोगी कि मैं अपने डैड से मिलने गई थी? सो वॉट, सो वॉट, वही डैड जिससे तुमने अपना रिश्ता तोड़ दिया था, कहा था कि तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी,
वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। एक मिनट मुझे जरा याद करने दो। मैंने ये सब कब बोला? ओ हाँ, मेरे डैड ने बोला था ये सब जब वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। डैड ने गुस्से में आकर मुझसे सारे के सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो मैंने भी तो गुस्से में उन्हें ओके फाइन बोल दिया। और फिर किस बाप बेटी में झगड़े नहीं होते? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रिश्ते ही टूट जाते। हमारा रिश्ता भी नहीं टूटा। और फिर जब डैड ने मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया और जो भी उन्होंने कहा था, जो भी किया था, उसके लिए सॉरी बोला, तो फिर मैंने भी उनका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, पर अगर मुझे ये बात छुपानी होती तो मैं वो होटल के रजिस्टर में अपना असली नाम क्यों लिखती? बस ये गलती हुई कि मैं किसी को बता के नहीं गई, क्योंकि सुबह सुबह वो पीहू के कारण ना एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था। झूठ, हर एक अल्फाज जो तुमने कहा है वो झूठ है। तुम्हारे बोलने से मेरा सच झूठ नहीं हो जाएगा शोलन। अच्छा, अगर अपने डैड से मिलने गई थी और तुम्हारे दिल में चोर नहीं था तो वॉशरूम के विंडो से क्यों कूद के गई थी? चलो, विंडो से कूद कर चली गई, वापस आने के टाइम पे तो मेन डोर से आ सकती थी ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। अब तुम ये सोचोगे कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता? शोलन, लीव माय हैंड। क्या कर रही हो तुम? शोलन, लीव माय हैंड। देखो, इसी टेबल से तुम कूद कर भागी थी ना चोरों की तरह, और इस विंडो से तुम कूदी और वहां से रिक्शा पकड़कर चली गई, जबकि लूथरा हाउस में बहुत सारी कार है, ड्राइवर है, कोई भी कार और ड्राइवर को लेकर तुम जा सकती थी, किसी को भी बताकर जा सकती थी, मुझे, कृतिका को या तुम्हारी बहन जैसी प्रीता को। अरे, बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है जो कभी टूटता नहीं। किसी को भी बोल सकती थी कि तुम अपने डैड से मिलने जा रही हो, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। क्या कर रही हो? ये क्या रहा? तुमने तो कहा कि मैं वॉशरूम की विंडो से कूद कर बाहर गई, पर कहाँ गई? अगर ऐसा होता तो यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ होता ना। शोलिन, कितनी फिल्मी हो तुम। अरे, मैं तो डेलिकेट सी लड़की हूँ, मैं कहाँ ये स्टंट वन करूंगी, कूदूंगी यहाँ से। अरे, वॉशरूम की विंडो से क्यों कूदूंगी मैं, जब लूथराज के पास इतनी गाड़ियाँ हैं, कोई ना कोई कार लेकर चली जाऊंगी मैं। तुम कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो, जिसने तुम्हें आते और जाते हुए देखा है सब पता है कि तुमने क्या किया है। और तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? लूथरा परिवार। लूथरा परिवार कितना अच्छा परिवार है ना, कितने अच्छे लोग हैं। और अच्छे लोगों को बुरे लोगों की नीयत के बारे में पता चल जाना चाहिए। तो तुम क्या बताओगी? मैं खुद उन्हें जाकर बता दूंगी कि मैं अपने डैड से मिलने गई थी। हाँ, मैं जल्दी में थी इसलिए जाते जाते बता नहीं पाई, लेकिन अब आकर बता रही हूँ। मुझे आप सबसे 2 मिनट बस बात करनी है। और मुझे भी आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो सोनाक्षी। शर्लिन, ये इस घर की गेस्ट है, पहले इसे बोलने दो। वो आज मैं अपने डैड से मिलने गई थी। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है अनन्या, उसने मुझे मैसेज करके होटल मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अनन्या के फोन से डैड ने मैसेज किया था। अगर पता होता तो मैं बिल्कुल भी ना जाती। मैं जब रास्ते में थी तभी अनन्या का फोन आया और उसने मुझे बताया कि उसके फोन से डैड ने मैसेज किया है। मैं डैड से बहुत अपसेट थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनसे मिल लेती हूँ। डैड होटल आए थे हमारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए, लेकिन बातों बातों में उन्होंने फिर से आप सबके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने डैड से फिर से रिश्ता तोड़ दिया। आई एम सॉरी अगर मैं आप सबको बिना बताए अपने डैड से मिलने गई। आई एम रियली सॉरी। देखो सोनाक्षी, तुम इस घर में एक गेस्ट हो,
किससे मिलने जाती हो, कहाँ जाती हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाउस अरेस्ट में नहीं हो तुम। एनीवेज, तुमने हमें सच बताया, अच्छा किया। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे समझा। आई होप डैड से मिलके मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं सोनाक्षी, तुम अपने डैड से ही तो मिलने गई थी। अगर बिना बताए भी चली जाती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने बता दिया सच्चाई, हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। खेल अच्छा खेल लेती हो तुम, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी टीम में आ जाओ। मैं दूसरों की टीम में नहीं जाती, अपनी टीम खुद बनाती हूँ। और वैसे भी मुझे लीडर बनना पसंद है, फॉलोअर नहीं। तुम मेरे साथ थी, इसका मतलब तुम मेरे खिलाफ हो। जो मेरे खिलाफ होता है वो इस घर से बाहर होता है। मैं मोनिशा या माहिरा नहीं। कर रहे यार? बड़े मियाँ ऋषभ लूथरा और छोटे मियाँ समीर लूथरा, हाँ जानता हूँ ये घर आप लोगों का है, पर खुद के घर में भी तो आप लोग देख के चल सकते हो ना। अगर देख के चलोगे तो हम चोट खाने से बच जाएंगे। एक तो यार ये आदमी ना गलत फहमी बहुत पालता है। करेक्ट ऋषभ, अपनी गलत फहमी निकालो यार। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी आदमी तुम जैसे आदमी से टकराए और वो भी जानबूझकर? अगर टकरा गए हो तो मुस्कुरा दो देख कर और निकल जाओ। टकराने वाला खुद समझ जाएगा कि भाई गलती मेरी थी। अगली बार तुम जैसे इंसान से देख कर टकराएगा कि तुम टकराने लायक हो भी कि नहीं। क्यों लायक की तो बात ही मत करना ऋषभ लूथरा, क्योंकि जो इंसान टक्कर देता है ना उसको कभी सूझ समय टक्कर खानी भी पड़ सकती है। समझे? इस आदमी से टकरा रहे हो ना, असल और असलियत उसके दिमाग में है, इसलिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सोच समझ कर लगाना पृथ्वी मल्होत्रा। चला है तुम, मजा आएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, वैसे बहुत दिनों से आजकल यहाँ दिख रहा, आजकल दुबई से इधर ही आ गए क्या वापस? मेहमान हो यार, मेहमान की तरह रहो। मेहमान तो वैसे भी चार दिन के होते हैं। गलत फहमी आप भी कम नहीं पाते हो। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे बताओ? मेहमान नहीं हूँ ना मैं, जमाई हूँ। इस घर का जमाई। घर जमाई? अरे घर जमाई नहीं, नहीं नहीं, घर जमाई नहीं। अरे इतना ज्यादा खिलाओगे डाइजेस्ट कैसे होगा? मेरी एपेटाइट, मेरी डाइट बहुत कम है। ऋषभ ये खाने पीने की बात नहीं कर रहे पृथ्वी। हाँ तो मैं भी जाने की बात नहीं कर रहा। तुम हर बात को घुमा फिरा क्यों बोलते हो यार? तुम हर बार बीच में क्यों बोलते हो? मैं कहाँ बीच में बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ? जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाई को कुछ भी बोलोगे मैं सुनता रहूंगा क्या? ये बीच में क्यों बोलता है इतना? बात नीचे करके बात देख नहीं रहा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं, यानी कि एक साला बड़े साले और उनके जीजा जी जब बात कर रहे हो तो कोई भी आजी पाजी राजी बीच में। दिमाग मत खराब कर, चुप कर तू, समझा? बस 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 बेटा, बस 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 बस, तुम भी ज्यादा काजी मत बनो, है ना? नहीं तो कम कर दिया जाओगे। एक सलाह दे रहा हूँ, जब कौआ बहुत जोर की काँव 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 करता है ना तो खुद काँव काँव करके शिकारी को अपनी ओर बुलाता है। वैसे भी तुम्हारा काम तो दुबई में है ना? अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर यार, दुबई जाओ वहाँ पे काम करो। तो सुना ना, काम है तो धाम है, थोड़ा काम करो, पैसे कमाओ, थोड़ी इज्जत कमाओ यार। और मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी पत्नी मिली है, ख्याल रखो उसका, घर बसाओ उसके साथ, जाओ उसको दुबई में शॉपिंग करो, कितने बढ़िया बढ़िया ब्रांड है वहाँ पे, जाओ जरा शॉपिंग करो। अगली बार मुझे किसी को ताना मारना होगा ना, मैं आपकी दुकान से खरीदूंगा। आप पूरी की पूरी ताने की दुकान हो ऋषभ जी। वो क्या है ना, आपकी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और आपकी बहन को ना बाहर घूमना फिरना इन सारी चीजों का शौक नहीं है। उसको क्या पसंद है पता है? घर में रहना। तो मैं उसकी खुशी के लिए यहाँ रहता हूँ। अब आप बताओ
आपकी बहन को खुश रखूं या ना रखूं, उसकी खुशी में मेरी खुशी। आप यूं भी बोल सकते हो कि आपकी बहन से मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम। अच्छा तुमने मान लिया कि तुम गुलाम हो। पत्नी का गुलाम होना, बादशाह बनने की कोशिश मत करना। इस घर का बादशाह मैं हूं, मैं इसलिए देख कर अगली बार तुम चलना। एंजॉय करो, इतना बड़ा घर मिला है तुम्हें, सुख भोगो। पता नहीं फिर तुम्हारी किस्मत में वो सुख लिखा हो या ना लिखा हो। एंजॉय द टाइम। चलो सैमी। तुम्हारे सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी किस्मत जानते हो किसकी मुट्ठी में है? मेरी। मन तो कर रहा था तुझे बोल दूं कि तुम्हारी जायदाद के पेपर्स, बिजनेस पेपर, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। सैड, रियली सैड। रही बात इस घर की ना, घर के पेपर्स भी मेरे पास है ऋषभ लूथरा। मैं चाहूं ना एक सेकंड में तुझे रोड पे ला सकता हूं।